व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। फाइनली आप लोग का स्वागत है पोकेमोन एक्स वाई जेड के एपिसोड नंबर 37 इन हिंदी ट्रांसलेट में। तो बिना किसी देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो उन दोनों को वेलकम करते हैं जो सबको हराते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ वेलकम एस एंड अलान, जिनका आज बैटल होने वाला है। मैं तो इस बैटल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और था भी। क्या आप इस बैटल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे? तो बैटल की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है बैटल फील्ड जो चेंज होती है, और वो होती है रॉक एंड वाटर टाइप। और एस कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा अलान। उसके बाद अलान कहता है मैंने इस बैटल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। उसके बाद हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है अलान का फर्स्ट पोकेमोन जो होता है टारानी टार, और उसके बाद हमें एस का फर्स्ट पोकेमोन दिखाया जाता है जो होता है पिकाचू। और उसके बाद टारानी टार होता है वो पूरे बैटल फील्ड में धुआं ही धुआं कर देता है। उसके बाद यहीं पर ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग इस बैटल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और थोड़े नर्वस भी थे। उसके बाद जो टारानी टार होता है वो अलान कहता है टाटा यूज डार्क पल्स, और उसके बाद वो डार्क पल्स यूज़ करता है पिकाचू को एस डॉच करने को कहता है। पिकाचू डॉच भी कर लेता है और वो पत्थर में लग जाता है और पत्थर पानी में गिर जाते हैं। तभी एस पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है पानी में, जिससे कि पूरी धूल हट जाती है। और अलान कहता है स्मार्ट मूव। उसके बाद पिकाचू पीछे से निकल कर थंडर बोल्ट इस्तेमाल कर देता है टारा डार पर। और उसके बाद एस अपना फाइनल मूव चलने को जाता है, पर अलान उसे डॉच करने को कहता है क्योंकि एस इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोबॉल। और स्टोनेज से अलान फिर उसे डॉच कर लेता है स्टोनेज लगा के। उसके बाद जो एस होता है वो पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे कि सारे पत्थर हट जाएं, और वो वर्क भी करता है। उसके बाद पूरे बैटल फील्ड में धुआं ही धुआं हो जाता है क्योंकि पिकाचू को थोड़ा डैमेज लग जाता है। उसके बाद पिकाचू आयरन टेल इस्तेमाल करता है और टारानी टार का मुंह से कुछ कर रहा होता है। उसके बाद पिकाचू अपना फाइनल मूव चलता है जो होती है इलेक्ट्रो बॉल, ऑफ सीधा वो डायनर टारानी टार को लगती है और उसके बाद वो लड़ नहीं सकता। और उसके बाद देखते हैं कि अलान का पहला पोकेमॉन लड़ नहीं सकता और सभी लोग कहते हैं कि वेल डन एस। और एस पिकाचू को बैलन कहता है अगर वो 5 मैच और जीत गया तो वो चैंपियन बन जाएगा। एस बहुत ज़्यादा जोश में लगता है सेमीफाइनल से, मैं वापस नहीं आ सकता, मैंने बहुत कुछ खोया है। जब मैं उन सबको वापस नहीं ला सकता मुझे स्ट्रांग बनते रहना होगा। अलान तुम कौन सी फीलिंग को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं और टीम रॉकेट भी अपना कुछ प्लान वगैरह बना रहे होते हैं और वीडियो भी बना रहे होते हैं साथ साथ, और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं मस्त, पूरा स्टेडियम चहला उठा होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट अपना काम कर रहे होते हैं, सभी अपना काम कर रहे होते हैं। तभी पिकाचू से एस कहता है तुम रेस्ट करो, नॉइज बॉल अब तुम्हारी बारी। उसके बाद एस नॉइज बॉल को इस्तेमाल करता है और जो अलान होता है वो अपना वी वाइल को इस्तेमाल करता है, और वी वाइल होता है वो पोर्ट्रैक इस्तेमाल कर लेता है। जब नॉइज बॉल इस पर सुपर सोनिक इस्तेमाल करता है फिर वी वाइल उस पर अटैक कर देता है। और उसके बाद जो नॉइज बॉल होता है वो सुपर सोनिक इस्तेमाल कर देता है और बूमबास भी इस्तेमाल कर देता है। दोनों के अटैक लग जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं। मतलब जो वी वाइल होता है वो आइस बीम इस्तेमाल करता है, और उसका नॉइज बॉल होता है वो उड़ के जाता है, ड्रैगन क्लॉक इस्तेमाल करता है। पर अलान उसको डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है वी वाइल को। और उसके बाद जो नॉइज बॉल होता है अपनी शक्तियों की मदद से असली वी वाइल को पहचान लेता है और उस पर ड्रैगन क्लॉक इस्तेमाल करने को आता है, पर वी वाइल घूम जाती है और बच जाती है उससे। और उसका नॉइज बॉल को वो अटैक कर देती है, फेंक देती है, और नॉइज बॉल पानी में गिर जाता है। उसके बाद नॉइज बॉल फिर से खड़ा होता है और उसके बाद फिर से नॉइज बॉल एक अटैक करती है, फिर से वो पानी में घुस जाता है। उसके बाद वी वाइल होता है वो नाइट स्लैश इस्तेमाल करता है नॉइज बॉल पे पीछे से, और नॉइज बॉल लड़ नहीं सकता, वो हार जाता है। और उसके बाद हलूचा अपने आप अपनी पॉकी बॉल से बाहर निकालता है और कहता है मैं तेरा बदला लूंगा भाई। वी वाइल के खिलाफ फाइटिंग टाइप मूव अफेक्टिव है, लेकिन अलान को पता है क्या चल रहा है। उसके बाद जो हलूचा होता है वो लगातार कराटे चॉप इस्तेमाल करता है वी वाइल पर, वी वाइल को कुछ नहीं होता उससे। और वी वाइल फिर नदी में आइस बीम इस्तेमाल कर देती है जिससे पूरा वाटर होता है वो जम जाता है। उसके बाद हलूचा जो होता है वो अभी वार्म अप कर रहा होता है, वो अपनी असली पावर में आता है, अपने आप को हीट करने लगता है। वी वाइल लगातार उस पर नाइट स्लैश इस्तेमाल करती है, पर हलूचा को उसके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर हलूचा आके हाई जंप किक इस्तेमाल करके उसको फेंक देता है वी वाइल को, और अपनी और हीट जनरेट करने लगता है। और उसके बाद जो वी वाइल होता है वो इलेक्ट्रिक कुछ इस्तेमाल करता है हलूचा पे, जो हलूचा को लग जाता है। उसके बाद हलूचा आता है और एक अटैक करता है वी वाइल पर, और वी वाइल लग जाते हैं और वो अब लड़ नहीं सकता। तो रेफरी भी अपना फैसला सुना देता है कि
वीवा इला ब्लड इन सकता है, तो विनर है हलूचा। ऐसा हलूचा को ऑसम कहता है और उसी को वो लड़वाना चाहता है। अब तो अलान होता है, वो अपना थर्ड पॉकीमॉन बाहर निकालता है जो होता है वी सर्व। बहुत तगड़ा पॉकीमॉन है। उसके बाद हलूचा अपना एक्सीजर इस्तेमाल करता है, वी सर्व अपना कट इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं पर कुछ नहीं होता। फिर वी सर्व अपना एक अटैक करता है, हलूचा के एल लग जाते हैं, मतलब हलूचा अब लड़ नहीं सकता। और ये सबको बुरा लगता है, सभी लोग गुस्से में देखते हैं अलान को। उसके बाद अलान होता है, वो अपना वी सर्व को वापस लेता है और फोर्थ पॉकीमॉन बाहर निकालता है जो होता है अनफेजिन। और एज अपना फोर्थ पॉकीमॉन बाहर निकालता है जो होता है टैलन फ्लेम। उसके बाद दोनों ही फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन है, तो दोनों ही आसमान में जाते हैं और दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा टकरा रहे होते हैं। उसके बाद अनफेजिन होता है, वो अपना कट इस्तेमाल करता है, और टैलन फ्लेम होता है, वो भी कट इस्तेमाल करता है। दोनों ही टकराते हैं आपस में और एक ब्लास्ट सा होता है। उसके बाद जो टैलन फ्लेम होता है वो जा रहा होता है आगे, और अनफेजिन उसका पीछा कर रहा होता है, उस पर अटैक भी कर रहा होता है। तो एक अटैक लग जाता है टैलन फ्लेम को। उसके बाद जो अनफेजिन यूज स्काई अटैक, टैलन फ्लेम यूज ब्रीबर्ट, और फिर दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और फिर धूल धूल मच जाती है। सभी लोग देखना चाहते हैं कौन जीता है, और उसके बाद कोई जीता नहीं होता, ये मैच हो जाता है ड्रॉ भाई। उसके बाद हुज डेट पॉकीमॉन, ये कौन सा पॉकीमॉन है यार कमेंट में बताओ, आप लोग बताते ही नहीं हो। वैसे ये बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग 3v3 मतलब फाइनल मैच बहुत ज़्यादा क्लोज होगा और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। यहाँ मैं ऑडियंस के साथ बैठा हूँ फिर भी इतना ज़्यादा नर्वस हूँ। टैलन सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो फर्स्ट वाला है, तो ये वाला है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और 3 पॉकीमॉन बचे हैं। यस, मेरे पास मेरी पूरी टीम है, तुम सब लोगों को पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे अलान, चलो इसे आखिर तक एंजॉय करें। क्या कॉम्पिटिटर है, उसके एक्सपीरियंस देखने के बाद लगता है जैसे मुझे मेरा सब कुछ मिल गया, इसलिए मैं इसके साथ लड़ने को इतना प्रोग्रेस था। ये देखो वो स्माइल कर रहा है, मैंने ऐसा उसको पहली बार करते देखा है। रियली अच्छा है, फाइनल क्लाइमैक्स जल्दी आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बैटलफील्ड होती है वो चेंज हो जाती है और फॉरेस्ट वाली बन जाती है, मैदान जैसी। उसके बाद एस पिकाचू को फिर से चुनता है और अलान चुनता है मेटाक्रॉस को, और मेटाक्रॉस होता है वो पिकाचू का हर अटैक डॉच कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। पिकाचू को वो अपने पास ही नहीं आने दे रहा होता है। एस की स्ट्रेटेजी होती है वो उसे उसके ऊपर चढ़ाए, पर वो उसे अपने पास ही नहीं आ रहा दे रहा होता है। उसके बाद मेटाक्रॉस होता है वो लगातार पिकाचू पर अटैक कर रहा होता है, जिससे पिकाचू बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। और वो फिर से पिकाचू पर एक अटैक इस्तेमाल करता है जिससे पिकाचू और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, वो खड़ा होता है मुश्किल से। उसके बाद वो इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल कर देता है तुरंत ही मेटाक्रॉस पे, जो मेटाक्रॉस को जाके लगती है, उतने ही समय में वो जाके मेटाक्रॉस के सर पर खड़ा हो जाता है और टांडअप करने लगता है। मेटाक्रॉस उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं हटता, और उसके बाद वो क्लाइमैक्स करता है और थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है। पैसे क्लाइमैक्स था नहीं, मेटाक्रॉस उसे अपने ऊपर से बाहर निकालता है, वो फाइनल मूव चलता है और आयरन टेल इस्तेमाल कर देता है मेटाक्रॉस के सर पर, और मेटाक्रॉस अब लड़ नहीं सकता, तो पिकाचू जीत गया। और जो लड़की होती है अलान की दोस्त, वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है कि अलान कहीं हार नहीं जाए, और सभी लोग देखते हैं कि ये बहुत अच्छा मूव था, एस ने बहुत अच्छा खेला, और सभी लोग हैप्पी होते हैं। उसके बाद टीम जेम्स भी थोड़ा बहुत हैप्पी हो रहा होता है, तभी जेसी कहती है तुम अपने मकसद से भटको मत। उसके बाद जो अलान होता है वो अपने चार्जॉर्ड को इस्तेमाल करता है जो कि उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पॉकीमॉन है, और सभी चार्जॉर्ड को देख के हक्का बक्का हो जाते हैं। पिकाचू चार्जॉर्ड पर लगातार अटैक करता है पर चार्जॉर्ड को कुछ नहीं होता, और पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है चार्जॉर्ड पर चार्जॉर्ड को फिर भी कुछ नहीं होता, और सभी लोग को यही उम्मीद थी चार्जॉर्ड से। और सरीना कहती है ऐसे तुम्हें जीतना ही होगा, तुम ये कर सकते हो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, और ये एपिसोड के आगे की कहानी आपको पता चलेगी 38 एपिसोड में, तो वो भी ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।